नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, धान का सीजन शुरू होने वाला है, हो चुका है और नई फसल भी मंडियों में आनी शुरू हो गई है। काफ़ी दिनों से हमारे ऑडियंस की, हमारे दर्शकों की डिमांड थी कि भाई धान का इस बार बाज़ार क्या खुलेगा, क्या स्तर रहेगा, कितनी आवक होने वाली है, एक्सपोर्ट की क्या स्थिति है। तो आज इन्हीं से बातों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं एक्सपोर्टर नीलेश जी पटेल। नीलेश जी नमस्कार। नमस्कार साहब। तो नीलेश जी, जैसे कि आपने भी अभी बताया कि धान की नई फसल आनी शुरू हो गई है, तो पिछले साल से अभी के भावों में क्या अंतर चल रहा है, कितनी ग्रोथ हुई है पिछले साल से इस बार? नहीं, भावों में तो बहुत अंतर आ गया। अभी थोड़े टाइम से एक्सपोर्ट में खुला है और लगभग क्विंटल पे 300 से 500 रुपये क्विंटल का फर्क आ गया है लास्ट ईयर के जो भाव थे उसमें। तो लास्ट ईयर अपन मान के चलें कि पूसा वन या पूसा फोर के क्या भाव चल रहे थे और इस साल इन्हीं क्वालिटी के भाव में कितना डिफरेंस आ रहा है? लास्ट ईयर लगभग एवरेज भाव 11-21 का 2500 रुपये के आसपास चला था, वो अभी लगभग 3000 के आसपास चल रहे हैं, जिसमें 500 रुपये का फर्क आ गया है। तो सुगंधा जैसे लास्ट ईयर 2100-2200 रुपये चल रहा था, वो अभी 2500 रुपये के आसपास पहुंच गया, और 1509 जो 2200-2300 रुपया लास्ट ईयर पूरे साल चला, वो अभी ये मान के जो 2700 रुपये के आसपास पहुँच गया है। तो धान की फसल इस बार कैसी है, किसानों से आपकी बातचीत होती रहती है, क्या बता रहे हैं किसान? धान की ऑल ओवर दिनेश जी क्रॉप 10-15% बुआई कम है, 15% के आसपास बुआई कम है, 15-20%, पर फसल अच्छी होने से, अभी तक फसल में कोई नुकसान नहीं है, फसल अच्छी होने से लगभग 15% की लास्ट ईयर जो अराइवल थी उससे कम रहेगी। उम्मीद है इस साल 1,40,000 से 1,45,000 बोरी आएगी। लास्ट ईयर 1,70,00,000 बोरी आई थी। ये जो पूरे ऑल ओवर इंडिया का सीनियरियो है या अपन सिर्फ यहाँ की? नहीं, ये कोटा बूंदी बारा तीन जगह की हाड़ोती जो हाड़ोती में मंडियों में जहाँ धान उत्पादन होता है वो। हाँ। जैसे कोटा मंडी की अपन बात करें तो कोटा मंडी में लास्ट ईयर 76,00,000 बोरी के आसपास, 76-80,00,000 बोरी आई थी, जो इस साल 67-70,00,000 बोरी आएगी। और बूंदी के अंदर लगभग 78-80,00,000 बोरी माल आया था, वही माल इस साल 60-65,00,000 बोरी आएगा। और बारह में लगभग 10-13,00,000 बोरी के आसपास लास्ट ईयर आया था और इस साल भी लगभग 12-13,00,000 बोरी के आसपास आएगा, क्योंकि वहाँ बरसात और क्रॉप अच्छी है तो उधर ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो 12 के बाद जैसे गरडा का एक जमाना था, धान वहाँ बहुत अच्छा होता था, सुना होगा आपने भी नाम। तो इस बार क्या पोजीशन है वहाँ की? नहीं, गरडा एरिया में बरसात अच्छी है, गरडा उस एरिया में अच्छी बारिश से वहाँ फसल बराबर आएगी, पूरी आएगी। पर अपने लोकल कोटा बूंदी के एरिया में थोड़ी बारिश स्टार्टिंग में कम रही थी, उसकी वजह से बुआई थोड़ी कम हुई है, वो फर्क आएगा। अपने यहाँ जो है अच्छी क्वालिटी का धान पैदा होता है, अच्छी क्वालिटी का चावल पैदा होता है, तो ये पंजाब और देहरादून उनके मुकाबले में क्या कमज़ोर रहती है फसल या वैसी ही रहती है अपनी क्वालिटी, क्या फ़र्क है? नहीं सब ऐसा फसल अपने कोटा बूंदी बारा के अंदर अमुक एरिया के अंदर ये ज़मीन के ऊपर डिपेंड करता है, जहाँ ज़मीन का फ़र्क आता है। जैसे श्योपुर एमपी की ज़मीन है, हार्ड है, तो वहाँ पे जो बोल्डनेस अच्छी आती है, माल में टूटन कम आती है। जहाँ ज़मीन कमज़ोर है वहाँ पे उसमें ब्रोकन ज़्यादा आती है, उत्पादन भी कम आता है। तो ये एरिया वजह हरियाणा पंजाब की ज़मीन अच्छी है तो वहाँ अच्छी फसल आ रही है ना। जैसे खुशबू के हिसाब से अपन बात करें तो जैसे कि बासमती का कई वेराइटीज़ में नाम आता है, जैसे पूसा वन है, पूसा टू है, पूसा थ्री, पूसा फोर, तो ये बासमती की वेराइटी है, पर इसमें खुशबू जैसे पहले कहा जाता था बहुत अच्छी खुशबू आती थी अपने हाड़ोती में पैदा होने वाले धान की, तो अब क्या अंतर आ गया इसमें, पहले जैसी बात नहीं रही? नहीं, ये सब हाइब्रिड बियारण होता जा रहा है डे बाय डे। जैसे पहले बासमती आती थी, उसका एक रूप आ गया डुप्लीकेट बासमती, जिसमें से डीपी बन गई, पूसा बन गया। फिर इसका हाइब्रिड बीज आ गया तो 11-21 इसमें से निकला। फिर इसमें से एक और वेराइटी निकली 1509,
फिर उसमें से एक वैरायटी और निकली सुगंधा, ये सब 11-21 में थे। हाइब्रिड भी होता गया और उत्पादन अच्छा होने से उसकी खुशबू कम होती गई, जैसे उत्पादन ज़्यादा लेने लग गए तो उसकी खुशबू डाउन होती गई है। पर ओरिजिनल बासमती अभी कोटाबूंदी 12 के अंदर बहुत कम होता है, पर उसके हाइब्रिड जो ये बासमती की क्वालिटियाँ कहलाती है, सारी एक्सपोर्ट की क्वालिटियाँ कहलाती है, तो वो सारी क्वालिटियाँ आ रही है और खुशबू में तो पहले से अंतर बहुत आ गया। हरियाणा पंजाब यहाँ भी हो गया, सब जगह खुशबू में जो हाइब्रिड उसका रूप करा है तो फर्क आया है। तो बूंदी से जो एक्सपोर्ट होता है वो कौन कौन से देशों में हो रहा है? मोर देन सऊदी में ही जा रहा है साहब, सारा माल एक्सपोर्टर लेते हैं और खुद एक्सपोर्ट करते हैं, वो सब सऊदी कंट्री में जाता है। और लास्ट ईयर भी सऊदी में गया था और सऊदी कंट्री में ही जाएगा। दमाम, रिदा, रियाद, जेदा, दुबई, ईरान, इराक, ये सब कंट्री है उसके लेवल है। जो ये एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियाँ हैं वो जैसे कि अपनी बूंदी के बासमती चावल को ले जा करके कोई दावत के नाम से, कोई ताजमहल के नाम से, शायद वही चावल है जो टीवी में लोग ऐड देखते हैं। हाँ, सब अपने अपने ब्रांड से माल बेचते हैं। हाँ, एक्सपोर्टर ले जाते हैं, एक्सपोर्टर यहीं से ले जाते हैं और यहाँ से माल जाता है और वहीं अपनी ब्रांड से अपने ब्रांड में पैक करके वो एक्सपोर्ट करते हैं और लोकल इंडिया में भी बेचते हैं। आवक कब तक शुरू हो जाएगी? अभी इस साल थोड़ी फसल लेट नज़र आ रही है, बरसात भी लेट हुई थी इसलिए, पर दीपावली से भरपूर फसल आना चालू हो जाएगी। नवरात्र में शुरुआत हो जाएगी, 1000-2000 बोरी आना चालू हो जाएगा, पर अच्छी फसल तो अराइवल दीपावली के बाद ही रहेगी। जो अपन भाव बता रहे हैं ये भाव हाल और मंडियों में इसी लेवल पे रहता है या इससे कम ज़्यादा रहता है? जैसे अपन जो बता रहे हैं कि पूसा का ये भाव या पूसा फोर का ये भाव, तो यही भाव अपने कोटा मंडी का जो भाव चलता है वही और देश की अन्य मंडियों में भी यही भाव चलता है क्या, या कुछ अंतर रहता है? नहीं, सारी मंडियों में यही भाव है। अपने से हरियाणा पंजाब की मंडियों में भाव ऊंचा बिकता है, उसकी क्वालिटी अच्छी है और उसके अपने से वहाँ 200-300 रुपये का फ़र्क रहता है हमेशा हर क्वालिटी में। पर इस साल भाव ऊँचा रहने का कारण है क्रूड ऑयल, अभी लास्ट में क्रूड ऑयल बढ़ गया है, $80 पे पहुंच गया है। और ये सऊदी कंट्रियाँ है सारी मोरदर खाने वाली, तो ये क्रूड ऑयल जैसे बढ़ेगा वैसे राइस का भाव भी बढ़ेगा, वो इफेक्ट अभी आया हुआ है और अभी एक्सपोर्ट चल रहा है। अगर क्रूड ऑयल का भाव नीचे आता है तो राइस में ज़रूर भाव नीचे आ सकता है, वरना अभी फिलहाल ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि बाज़ार नीचे आएगा। तो जैसे अब धान की फसल जैसे जैसे बढ़ेगी तो भाव गिरेंगे या बढ़ेंगे, क्या स्थिति बनती है? नहीं, फसल गिर रहे और अभी बढ़ेगी तो 100-200 रुपये थोड़ा नीचे आएगा सब जगह, पर अगर क्रूड ऑयल का भाव बढ़ा तो बाज़ार मेंटेन रहेगा। अगर उसको क्रूड ऑयल नीचे आया तो बाज़ार थोड़ा नीचे आ सकता है। और अच्छा, तो ये जैसे कि अभी अपन ये मान के चलें कि पुराना स्टॉक भी तो होगा लोगों के पास? नहीं, इस बार अच्छे भाव आने से पुराना स्टॉक बिल्कुल नील हो गया, लास्ट ईयर का पूरा माल खत्म हो गया, इससे बिफोर का लास्ट ईयर का माल भी खत्म हो गया। अभी फिलहाल पूरी पाइपलाइन खाली है, मतलब किसी जगह हरियाणा पंजाब और राजस्थान या यूपी कहीं भी पुराना माल का स्टॉक अब जीरो, मतलब लगभग जीरो हो गया है, परसेंटेज के अंदर एक आध परसेंट के अंदर भी पहुँच गया है। जैसे समर्थन मूल्य की खरीद धान की पंजाब वगैरह में तो शुरू हो रही है मेरे ख्याल से, तो ये समर्थन मूल्य की खरीद शुरू होगी तो उससे भी क्या भाव बढ़ेगा? नहीं, समर्थन मूल्य की अगर खरीद होती है तो अपने राजस्थान के अंदर नॉन बासमती होता नहीं है, तो ये लगभग नॉन बासमती की समर्थन मूल्य में खरीद होती है, जिसमें हरियाणा पंजाब वगैरह में नॉन बासमती लगाते हैं, MP में लगाते हैं, तो वहाँ नॉन बासमती खरीद तो बाज़ार थोड़ा सा कुल मिला के ऊँचाई रहेगा जरूर। अच्छा, तो दोस्तों ये आपने धान की क्रॉप के बारे में सुना, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल लेनदेन न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, और भी कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद साहब।